दिल्ली पुलिस की एसटीएफ क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर और तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा के गैंग के एक बड़े गैंगस्टर वांटेड क्रिमिनल दक्षिणपुरी निवासी 21 वर्षीय गोविंद सिंह थापा उर्फ को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 2 महीने से हाशिम बाबा गैंग के उत्तराधिकारी शाहरुख की तलाश कर रही थी, लेकिन शाहरुख तो फिलहाल क्राइम ब्रांच के हत्थे नहीं चढ़ा, पर पुलिस को गैंग का एक मुख्य सदस्य गोविंद सिंह थापा उर्फ को एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता जरूर हाथ लगी है। उस पर 1 लाख का इनाम था। आलोक कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ने बताया कि गैंगस्टर हाशिम उर्फ की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर शाहरुख दक्षिण और पूर्वी दिल्ली इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। हाशिम बाबा की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख गैंग का नेतृत्व कर रहा था। दक्षिण दिल्ली में शाहरुख का मुख्य प्रतिद्वंद्वी रवि गंगवाल था। दक्षिण दिल्ली में अपना दबदबा कायम करने के लिए वांटेड क्रिमिनल शाहरुख 22-23 मार्च 2021 की दरमियानी रात वांटेड क्रिमिनल गोविंद सिंह थापा उर्फ अमन और पवन के साथ दक्षिणपुरी इलाके में गया और रवि गंगवाल के करीबी सहयोगी अमित मद्रासी पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने के बाद भी अमित मद्रासी किसी तरह मौके से भागने में सफल रहा। गैंगस्टर शाहरुख दक्षिण दिल्ली इलाके से रवि गंगवाल गैंग का सफाया करके खुद राज करना चाहता था। वांटेड क्रिमिनल शाहरुख ने गोविंद सिंह थापा उर्फ और अन्य अपने साथियों के साथ मिलकर रवि गंगवाल के गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। रवि गंगवाल गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य सनी के भाई कुणाल को देखकर गैंगस्टर शाहरुख, गोविंद सिंह थापा उर्फ और अन्य ने कुणाल पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने से कुणाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को लेकर थाना अंबेडकर नगर ने अपराधियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 145/21, धारा 307/34, 2527 आर्म्स एक्ट और दूसरी एफआईआर संख्या 146/21, धारा 302/34 और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए थे। इन्होंने क्राइम का सिलसिला जारी रखा। गैंग ने दिनांक 8 अप्रैल 2021 को अपने आका हाशिम बाबा के खास दुश्मन वेलकम सीलमपुर निवासी फरमान उर्फ पुत्र शकील की मंडावली थाना इलाके में हत्या कर दी थी। दिनांक 25 मई 2021 को गैंगस्टर शाहरुख, गोविंद सिंह थापा उर्फ और गैंग के अन्य सदस्यों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए जाफराबाद इलाके में जाफराबाद निवासी कासिम पुत्र अब्दुल रहमान की भी हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद गैंगस्टर वांटेड क्रिमिनल दक्षिणपुरी निवासी 21 वर्षीय गोविंद सिंह थापा उर्फ की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। इंस्पेक्टर सुनील तेवतिया के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम ने इस गैंग की हर एक्टिविटी पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम ने शाहरुख, डैनी, अमन और गैंग के अन्य सदस्यों के संदिग्ध ठिकानों पर कई छापेमारी की। आखिरकार मांडावली मर्डर केस में वांटेड शाहरुख के एक भाई साहिल को एसटीएफ टीम ने दबोच लिया। थाना अंबेडकर नगर में हत्या और हत्या के प्रयास का वांटेड शाहरुख गैंग का एक शार्प शूटर अमन खान को भी एसटीएफ टीम ने दिनांक 13 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ क्राइम ब्रांच को सीक्रेट टिप मिली कि दिनांक 16 सितंबर 2021 को शाहरुख गैंग का शार्प शूटर गोविंद सिंह थापा उर्फ श्रीनिवासपुरी डिपो बस स्टैंड के पास किसी काम से आएगा। शार्प शूटर वांटेड क्रिमिनल गोविंद सिंह थापा उर्फ को दबोचने के लिए एसीपी एसटीएफ पंकज सिंह के नेतृत्व व इंस्पेक्टर सुनील तेयोशर की सुपरविजन में एएसआई प्रियंका, एएसआई प्रमोद सिंह, एएसआई दनवीर सिंह, एएसआई कुलदीप सिंह, हेड कांस्टेबल रोहित सोलंकी, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल शशिकांत, कांस्टेबल आशीष और कांस्टेबल गुरुविंदर की एक टीम बनाई गई। टीम ने श्रीनिवासपुरी बस डिपो के बस स्टैंड नियर ओखला मंडी के पास जाल बिछाया और मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने शार्प शूटर गोविंद सिंह थापा उर्फ को घेर लिया। पुलिस टीम को देखते ही वांटेड क्रिमिनल गोविंद सिंह थापा उर्फ ने पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया। दिनांक 16 सितंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच में एफआईआर संख्या 186/21 धारा 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इंटेरोगेशन में वांटेड क्रिमिनल गोविंद सिंह थापा उर्फ ने कबूल किया कि गैंगस्टर शाहरुख, अमन, पवन और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गैंगस्टर शाहरुख और गैंगस्टर हाशिम उर्फ बाबा के आदेश पर प्रीत विहार, अंबेडकर नगर, मंडावली और जाफराबाद के इलाके में मर्डर की वारदातों को अंजाम दिया था। वर्ष 2000 में पैदा हुआ वांटेड क्रिमिनल गोविंद सिंह थापा उर्फ मूल रूप से काठमांडू, नेपाल का रहने वाला है और दक्षिणपुरी दिल्ली में एक गरीब परिवार से है। इसने 4th कक्षा तक पढ़ाई की है। इसके पिता सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। साल 2014 में यह गैंगस्टर शाहरुख के संपर्क में आया और उसके साथ अपराध करने में शामिल हो गया। शाहरुख की रवि गंगवाल के गैंग के सदस्यों से दुश्मनी थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम ब्रांच एसटीएफ की टीम ने पिछले 2 महीने से
मई के महीने तक 2021 में इन्होंने 4 मर्डर केस और 1 अटेम्प्ट मर्डर। सबसे पहले पिछले साल द्वीप बिहार में इन्होंने सनी नाम का एक व्यक्ति था, उसको रोडवेज के केस में गोली मार कर उसकी हत्या की थी। उसके बाद 2021 में मार्च में इन्होंने अम्बेडकर नगर दक्षिणपुरी के इलाके में एक कुणाल नाम के व्यक्ति की हत्या की थी और एक ही दिन में अमित मद्रासी के ऊपर गोलियां चलाई थी, बट वो बच गया था। उसमें 307 का मुकदमा अम्बेडकर नगर थाने में। अपने फर्स्ट वीक में मंडावी थाने के इलाके उन्होंने तमाम या संदेह मर्डर किया था और मई के महीने में जाफराबाद में कासिम नाम के व्यक्ति का मर्डर। और इसमें कुछ मुकदमों में दिल्ली पुलिस को आंशिक रूप से सफलता मिली थी, एक आध दो जिनमें अरेस्ट हुए थे, लेकिन कुछ एक मुकदमे ऐसे थे जिसमें किसी का अरेस्ट नहीं हुआ। इसमें अगर हम देखें तो अभी फिलहाल अभी जो लेटेस्ट हमने अरेस्ट किया है उसमें डैनी है एक व्यक्ति, गोविंद ठाकुर उसका नाम है, इलियास डैनी दक्षिणपुरी का रहने वाला है, 21 साल का है और ये पांचों मुकदमों में इसमें शामिल है। जो पांच मुकदमे मैंने अभी आपको अगर इसमें बैकग्राउंड देखें, जो अम्बेडकर नगर के दो मुकदमे हैं वो वहाँ पे एक रवि शूटर यानी रवि गंगवाल या रवि शूटर हो गया, शाहरुख गैंग का मेंबर है डैनी, शाहरुख हासिम बाबा के लिए आजकल काम करता है, उसके साथ काम करता है। तो वहाँ पे रवि गंगवाल और ये शाहरुख के बीच में रहते हैं अम्बेडकर नगर। इसमें कुछ दिन पहले रवि शूटर ने एक अमर नाम के व्यक्ति की हत्या की थी जो कि बेसिकली शाहरुख गैंग से जुड़ा था। उसी के बदले में इन्होंने रवि शूटर के गैंग के दो मेंबर्स के ऊपर मार्च के महीने में फायरिंग की, जिसमें एक अमित मद्रासी बच गया था और बीमार भी। उसके बाद अगर आप मंडावली थाने का इंसिडेंट देखते हैं, वहाँ पे फरमान नन्हे की हत्या की गई। फरमान नन्हे नॉर्थ ईस्ट का एक बदमाश है, अजीम उसका साला है, अजीम नासिर गैंग से जुड़ा हुआ है और क्योंकि नासिर और अजीम दोनों ही जेल में, इस वजह से फरमान उनका काम कैसे और आपको ये ज्ञात होगा कि पहले नासिर और हाशिम बाबा ये दोनों इकट्ठे थे, ये दोनों गैंग, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी आपस में बदावत हो गई और इस वजह से हाशिम बाबा नासिर गैंग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये फरमान नन्हे की हत्या अब्दुल के महीने में मैदान में। जाफराबाद का जो मई का इंसिडेंट था जिसमें कासिम नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें एक सोहेल चप्पल वाला है जो अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने। सन 2000 में सोहेल चप्पल वाले के भाई की हत्या कासिम ने की, कासिम उसमें जेल में भी गया था लेकिन अभी अब बाहर आ गया। तो ये उसका रेवेंज मर्डर था जिसमें सोहेल की मदद शाहरुख ने और हासिम बाबा ने, इसलिए ये मर्डर हुआ था। और इसमें ये उसने लोकल पुलिस ने उसे अरेस्ट पहले इफेक्ट किए थे लेकिन डैनी और शाहरुख ने फिलहाल डैनी के अलावा फिलहाल देखें 3 जुलाई को इस गैंग का एक मेंबर यूसुफ सोनी का रहने वाला है वही से। और जब यूसुफ को एसटीएफ ने अरेस्ट किया तो फिर वहाँ से लगातार इस गैंग के ऊपर काम किया। यूसुफ से उस समय एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए थे। 2020 में जो द्वीप बिहार में मर्डर हुआ था गोलरेज में सही नाम की गई, उसमें यूसुफ भी शाहरुख और डैनी के साथ वांटेड था। उसमें एक चौथा व्यक्ति था जिसको लोकल पुलिस ने पहले दिल्ली दिल्ली करके उसको अरेस्ट किया, लेकिन उसके अलावा उसकी अरेस्ट इसमें इफेक्ट नहीं थी। अब इसमें यूसुफ और डैनी और अभी तक अरेस्ट नहीं। इसका 24 अगस्त को शाहरुख का भाई साहिब, उसको इब्राहिम शेख भी कहते हैं, उसको
गोलीबारी हुई थी जिसमें एक पुलिस पर्सनल की भी मौत हो गई और वो उसके अंदर में भी शाही था लेकिन उसमें जुबेनाइल था लेकिन ये डैनी भी उस समय इसके बाद 13 सितंबर को अमन जो कि संगम बिहार का रहने वाला है पीछे से मध्य प्रदेश का है लेकिन अब संगम बिहार में रहता है इसकी भी शाहरुख से दोस्ती है तो अमन को भी 13 सितंबर को के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। अमन के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। और अब लेटेस्ट जो 16 तारीख को डैनी की अरेस्टेशन की गई है जिसमें 5 कारतूस और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल से बरामद हुआ। डैनी के ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम। तो ये पिछले 2 महीने के एक सस्टेंड ऑपरेशन के दरमियान ये 4 अरेस्ट किए गए जिसमें जितने लोग अरेस्ट हैं ये 5 अलग अलग केसेज लेकर के 2 केस मंडावली का 1 केस और जाफराबाद का 1 केस इसमें ये सारे लोग अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व थे वॉन्टेड थे और 2 व्यक्ति इसमें जो है जिनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम शाहरुख की अरेस्ट हुई है लेकिन जैसा क्योंकि शाहरुख मास्टर माइंड है आसिम बाबा का काफ़ी क्लोज एसोसिएट है और आसिम बाबा का सारा काम भारत के यही संबंध है। इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये भी पता चला है कि इन लोगों को नॉर्थ वेस्ट और आउटर साइड के जो कुछ इंटर स्टेट गए जिनके तार हरियाणा से जुड़े हुए पंजाब से जुड़े हुए ये हिसार की तरफ कहीं छुपके रहते जिसमें इन गैंग्स ने उनको सपोर्ट किया। उस इस ये जो इंटर गैंग की आपस में ऑर्गेनाइजेशन और कॉपरेशन इनका है जो चल रहा है उसके ऊपर भी उनको इन्वेस्टिगेट करें और कोशिश करेंगे कि आगे और ले जाए और ज़्यादा अरेस्ट किसमें डैनी की डैनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पांचों वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पांचों कैसे जमीन बीत प्यार वाले में भी बच्चनपुरी वाले दोनों में शूट आउट में भी मंडावली में भी और जाता इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन उसमें पूरा किया गया था जिसमें ACP पंकज जो है इनकी टीम ने ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया है पिछले 2-2.5 महीने और पूजली उसको जो हमारे DCP मनोज हैं उन्होंने और रिसेंट CP शिवेश साहब ने पूजली मॉनिटर किया है और इसकी वजह से ये सफलता है। सर शाहरुख के कितने करीब पुलिस पहुंच चुकी है इस मामले के पूरे एपिसोड में कई बार शाहरुख आते हैं बचा आपके देखिए जब तक हम इसको पकड़ना नहीं तो 1 सेंटीमीटर और 100 किलोमीटर हम लोग की कोशिश ये जो तमाम लोग हैं इस पे इनके सबसे पहले के भी एक दो मामले हैं। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें।